नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे सुरेंद्र सिंह शेरा, टिकट के लिए सुरेंद्र सिंह शेरा ने बढ़ाई सक्रियता। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने दावा किया है और अब ऐसे में वो कार्यालय पहुंच चुके हैं। अगर सचमुच सर्वे के आधार पर टिकट मिला तो सर्वे का यह कहना, तो मेरी पत्नी जयश्री ठाकुर को ही टिकट मिलेगा। तो ये बयान आपको बता रहे हैं। दरअसल ये बड़ी जानकारी भोपाल से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। खंडवा सीट के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं सुरेंद्र सिंह शेरा और ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर सचमुच सर्वे के हिसाब से अगर टिकट का निर्णय लेना है तो ऐसे में सर्वे के माध्यम से उनकी पत्नी का नाम आ गया था, जिस पर उन्होंने कहा है कि तब ये टिकट उनको ही मिलेगा, यानी कि उनकी पत्नी को। अगर सचमुच सर्वे के आधार पर टिकट मिला तो उनकी पत्नी यानी जयश्री को ये टिकट मिलेगा, ये शेरा का कहना है। तो बड़ी जानकारी भोपाल से जुड़ी हुई इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय पहुंचे सुरेंद्र सिंह शेरा और सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा है कि अरुण यादव को लेकर के जिस तरीके से अभी तक अटकलें लग रही थी, लेकिन अब दावा पेश कर दिया है सुरेंद्र सिंह शेरा ने और अपनी पत्नी जयश्री को टिकट दिलवाना चाहते हैं। इस वजह से वो लगातार कांग्रेस के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और टिकट मांगना सबका अधिकार शेरा ने बताया है। तो अगर सचमुच सर्वे के आधार पर टिकट मिला तो मेरी पत्नी जयश्री ठाकुर को ही टिकट मिलेगा। इस पर अधिक जानकारी के साथ कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जानकारी चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस कार्यालय सुरेंद्र सिंह शेरा पहुंच गए, उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर सर्वे के आधार पर अगर इसका निर्णय होना है तो उनकी पत्नी को ही टिकट मिलेगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? लगता है हमारा संपर्क कुलभूषण से नहीं हो पा रहा है, उनसे जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जानकारी एक बार फिर आपको दे दे, सुरेंद्र सिंह शेरा लगातार कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, उनसे अपील भी वो इससे पहले से ही कर चुके हैं कि उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए, क्योंकि सर्वे के माध्यम से उनका कहना है कि जब सर्वे करवाया गया तो सर्वे में उनकी पत्नी का नाम सामने आया था और वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी को ही टिकट मिले। और उन्होंने इस बात को लेकर बयान भी जारी किया और कहा है कि अगर सर्वे के हिसाब से ही टिकट देना है तो मेरी पत्नी जयश्री ठाकुर को ही टिकट मिलेगा। तो ये बयान आपको सुरेंद्र सिंह शेरा का बता रहे हैं। दरअसल भोपाल के जो खंडवा सीट को लेकर के जो खंडवा लोकसभा सीट पर चुनाव होने और ऐसे में खंडवा लोकसभा सीट को लेकर के अब अरुण यादव और साथ ही साथ जयश्री का नाम सामने आ रहा था, जिसमें कि ये कहा जा रहा है शेरा की तरफ से कि उनकी पत्नी यानी जयश्री को ही टिकट दिया जाएगा। तो उन्होंने सर्वे का भी जिक्र किया है और कहा है कि सर्वे के हिसाब से उनकी पत्नी को ही टिकट मिल रहा है और इससे पहले भी वो दावा कर चुके हैं कि उनकी पत्नी को ही टिकट मिलेगा। तो अरुण यादव की मुलाकात पर शेरा ने कहा है, और अरुण यादव दरअसल जब कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, उनसे बातचीत हुई, बैठक के लिए उन्हें बुलाया गया, तो उसके बाद इस पर सुरेंद्र सिंह शेरा ने बयान जारी कर कहा कि इसके लिए सर्वे करवाया गया था और सर्वे में जयश्री को लोग पसंद कर रहे हैं, स्थानीय लोगों की मांग है कि उन्हीं को ये टिकट दिया जाए और इसी वजह से उन्हें भी ये लगता है कि उनकी पत्नी यानी जयश्री को ये टिकट मिलेगा। तो खंडवा सीट पर फिलहाल चुनाव होना है, लोकसभा सीट है खंडवा और ऐसे में खंडवा सीट को लेकर के लगातार जोर शोर से कोशिश सुरेंद्र सिंह शेरा की तरफ से की जा रही है कि उनकी पत्नी जयश्री को ही टिकट दिया जाए और इसी वजह से वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। तो उन्होंने इस बात का दावा किया है कि जो सर्वे करवाया गया, अगर सर्वे के माध्यम से ही इस बात का निर्णय होना है तो ऐसे में सर्वे के माध्यम से उनकी पत्नी को ये टिकट मिलना चाहिए। तो सर्वे का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी पर दावा किया है कि उनकी पत्नी को ये टिकट मिलेगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर कांग्रेस का क्या फैसला होता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।